इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं देखी मैं संतोष कि मैं सुनू कि मेरे लड़के वाले सत्य पर चलते हैं ना पिल सत्य अनुसरी क्या बात है ताली बजा कर चप्पल को देने वाला चले साहब एक परमेश्वर के जन को इससे बड़ा आनंद इससे बड़ा खुशी और कुछ नहीं होगा इससे बढ़कर मेरे को मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं इसीलिए कलीसिया के लोगों को कह रहा है मेरे लड़के वाले ये बात कितनी अच्छी लगी कलीसिया के लोगों को बोल रहा है मेरे लड़के वाले जैसे कि उनसे पैदा हो गए आत्मिक रिश्ते में बोल रहा है आत्मीय संबंध तो ये बात जो है वो आत्मिक रिश्ते की उस धुन में बोल रहा है कलीसिया के लोग मेरे लड़के वाले ना पिल्ललु सत्य पर चलने की गवाही मैंने सुनी है सत्य पर अनुसरिच्चि नडुस्तुन्नारनि विन्नानु इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं है दीनिकि मिंचिन ए संतोषमु लेदु इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं दीनिकि मिंचिन ए आनंदमु लेदु मेरी कलीसिया के लोग ना संघ प्रजलु मेरे लड़के वाले ना पिल्ललु सत्य पर चलते हैं आज कलीसिया परमेश्वर के सत्य वचन पर अगर चलने लगे तो ईश्वर भी स्वर्ग में आनंद मनाएगा संगमो देवनी सत्य वाक्य मीद నచ్చినట్లయితే దేవుడిని ఆనందిస్తాడు తాళి వేయక పరమేశ్వర సభకు దేవుని ఆశీర్వదిస్తాం యోహన్నా యోహానో కలీసియా కా పితామహ హై సంఘానికి పితామహుడు ఓ ఘాట్ మే పడకర్ కలీసియా కి ఔర్ గలియస్ కి గవాయి సున్కర్ उसने ये कहा कि मुझे और कोई खुशी नहीं चाहिए मंच మీద పడి ఉండి సంఘము మరియు గాయు సాక్ష్యం విని అని అంటున్నాడు కదా దీనికి మించిన సంతోషం నాకు ఏది లేదు ఇస్సే బట్కర్ ముజే ఔర్ కోయి ఖుషీ నహీ హై దీనికి మించిన సంతోషం నాకు ఏది లేదు మేరే లడ్కే వాలే సత్య పర్ చల్తే హై నా పిల్లలు సత్యమును అనుసరించి నడుస్తున్నారు హల్లెలూయా 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 మేరే లడ్కే వాలే సత్య పర్ చల్ రహే హై నా పిల్లలు సత్యమును అనుసరించి నడుస్తున్నారు మేరే ప్రియో నా ప్రియమైన వాళ్ళారా ఆజ్ వర్తమాన स्थिति में भी ऐसा ही है इस वर्तमान स्थिति में इले विधि विधानों में कलीसिया के बच्चे संघ पिल्ले लो पास्टर के लिए बच्चे ही होते हैं पास्टर को पिल्ले ले अगर आपकी गवाही मुझे अगर कहीं से सुनने में आई इस साक्ष्य में कौन ना विना पड़ता ना को क्या बात है ये ना माता वो सचमुच ही परमेश्वर के वचन के सत्य पर चलते हैं निश्चित तो वारो देव के वाक्य में सत्य में नर सुना रो ऐसी गवाही जब सुनने में आती है साक्ष्य में नीति वचन वो जो योहन्ना ने जो प्रकट किया जो खुशी वो हर पासवान के अंदर में होता यो ये संतोष आदि तेरे जैसे रो आ संतोष प्रति पास से होता है कि मैं सुनूं ये बिताले कि मेरे लड़के वाले सत्य पर चलते हैं आप बिलो सत्य पर चलते चला सुना मैंने सुना है मेरे बिना हो भाइयों ने आके मुझे बताया सहोदर वचन चेप्पारु के कुछ भाइयों ने तेरी गवाही बताई संघ सहोदर वचन साक्ष्य चेप्पारु तू सत्य पर चलता है सत्य को भी लिखा गायक और फिर कलीसिया के लोगों को भी कह रहा है संघ प्रजा तो अंटुना है मेरे लड़के वाले माँ पिलो लो ऐसा समझना योहान गुप्त तो बुरे अवस्था में कलीसिया के लोगों को कहता है मेरे लड़के वाले संघ प्रजा तो अंटुना नाम पिलो के लड़के वाले हैं योहन्ना के लड़के वाले हैं योहान पिलर क्योंकि इस कलीसिया की स्थापना करके इसको चलाकर इसके लिए अपने कितने परिश्रम और यहाँ तक के मौत के मुंह में भी जाकर इस संघा ने स्थापित की दीनि का यत्न का प्रयास पड़े दानि का मरण को नोट देते तो बेले उछाड़ो कितने सताए गए इन्नो बादल पड़ा इतने बार हमको मौत के मुंह में ढकेला गया इन्नो साल मरण को नोट निकालो लेकिन ईश्वर ने अभी तक हमें जीवित रखा है आईने देवड़ इतना वर्ग ब्रतकोचाड़ हमें आज भी परमेश्वर जीवित रखा है ई रोज देवड़ सजीव है उस कलीसिया के लिए हम लोग जी रहे हैं आ संगम पर के मैं ब्रतक आज उस कलीसिया की सत्य की गवाही मेरे सामने जब आई
तो मैं बहुत आनंदित हुआ करके कह रहा हूं। ये रोज आप संघ को सत्य साक्षों ना मुंदे को छिना पड़े ना चाला आनंद इच्छा ना संतोष इच्छा ना रास्ता। मुझे इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं। दीन के बीच नहीं आनंद ना लो ले तो। कि मैं सुनूं। देने भी नहीं। कि मेरे लड़के वाले सत्य पर चलते हैं। हाँ मिलो लो सत्य मनुष्य ने चुनाव सुना रहे। मेरे प्रियो। आप ही मनवा। यहाँ पर आज हमारी आधुनिक कलीसिया और आधुनिक पास्टर के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश प्रभु ने यहाँ रखा। आधुनिक संघ ने आधुनिक कापड़ के गोप संदेश आने देवड़ी करो। तीसरे और चौथे पद की जो बात है वो सचमुच ही बहुत ही सुनहरा है। मूड मरे नालगो वाक्य बोलना माटल ये वचन है वो अभी साला हर पासवान अपनी कलीसिया के विषय में यही इच्छा रखता है कि मैं सुनूं कि मेरे लड़के वाले उस पर सत्य पर चलते हैं। प्रति संघ कापर इदे आशमनी उनाडे अंटे ना संघ पिल्ललु ना पिल्ललु सत्य मनसोरिसि नडुस्तुन्नारनि विनाले। आमेन आमेन। आज आधुनिक कलीसिया के लिए और आधुनिक पासदानों के लिए यहाँ पर यह संदेश है कि हमारी गवाही कैसी है ईश्वर के सामने और परमेश्वर के दास के समक्ष। आधुनिक संघाल के आधुनिक कापर की इधर पर ये कहते देवनी ये दुटा देवनी समक्ष हमने मना साक्ष्य मो ये लाओ दे कि मैं सुनूं ने निकला दी कि मेरे लड़के वाले सत्य पर चलते आप फिर लोग सत्य पर अनुसरण से बड़े सुनाओ। हाँ मेरे प्रियो आप ना पे मना आज यही गवाही परमेश्वर पिता भी हमसे कलीसिया से सुनना चाहता है। तन्नी ने देवड़ मन నుండి సంఘం నుండి ఇదే సాక్ష్యం వినాలనుకుంటున్నాడు। దానికి జాతే పరమేశ్వర్ కు ధన్యవాదాలు। చెప్పండి కొడు దేవుని వాళ్ళ చెప్పండి। యోహన్నా కా జో మాన్సా హై ఉంటా ఉద్దేశ్య హై మైనే అప్నే అందర్ మే లియా ఔర్ ఫిర్ మైనే కలీసియా కు దియా। అప్నే కలీసియా కే లోగో కి గవాయీ బహుత్ ఆనందిత్ కర్తీ హై। పరమేశ్వర్ కే జన్ కో కలీసియా కే పాస్బాన్ కో అప్నే విశ్వాసియో కి చాల్ చలన్ ఔర్ सत्य की गवाही जो उस पर वो चलता है वो अगर किसी दूसरे के द्वारा वो सुनता है तो उसका मन आनंदित होता है। दैव जनुडु संघ कापरि तन संघ प्रजलु सत्य प्रवर्तन सत्यनु सत्यमुनु बट्टि నడుస్తున్నారు అనేటువంటి మాట వేరే వారి ద్వారా ఆయన విన్నప్పుడు ఆయనకు చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది। క్యా సునా యోహన్నానే యోహాను ఏం విన్నాడు తేరి సత్య కీ గవాయి దీ గయీ హై నీ సత్య ప్రవర్తన గురించి సాక్ష్యం ఇవ్వబడ్డది తేరే విషయమే కుచ్ భాయీ లోగ్ ఆకర్ ముజే तेरी सत्य पर चलने की गवाही मुझे दी गई है। नी विषय में को तो मंदिर सौदर वच्ची नी सत्य प्रवर्तन विषय में साक्ष्य दिया और उसके कारण मेरा मन बहुत आनंदित हुआ। ताले बटे ना रुदे में संतोष चिंचे मेरा मन भर गया ना रुदे निंदे दे अब मैं इपुर ने दो अब कुछ सुनने सुनना नहीं चाहता हूँ। जो कुछ मैंने सुना मैं बहुत आनंदित हुआ। आप प्रेम वाला मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। देवरी वाला चले सुना ऐसी गवाही हमारे कलीसिया के हर विश्वासी के द्वारा परमेश्वर पिता के सामने या परमेश्वर के दास के सामने रखा जाए। इलाटी साक्ष्य अनेदि प्रति विश्वासी गुच्छ देव जननी यदत लेक देवनी यदत पेटबडाले। आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। तो इससे बढ़कर कोई खुशी अब उनके पास में नहीं होगा। मेरे दिन के मिचना संतोष के वार लगे नहीं होता। ना प्रेम वाला इस विषय में आपको क्या लगता है? दिन विषय में के मन में सुनने कैसा लगता है? आप ऐलान भी सुनने को कि सचमुच ही निश्चय का गयुस का गवाही गायु साक्ष्य हो योहन्ना तक पहुंच गए यहां वर को चेल पड़ा। आज आपके पास दान भी आपकी गवाही के लिए तरस रहे हैं। ये में पास में साक्ष्य पर के कोटकोटना तो याद कर आपके बारे में अगर आपके सत्य पर चलने की अगर कोई गवाही अगर बताया गया तो मेरे प्रियो अब पास्टर के लिए कोई और बात से उसका पेट नहीं भरता। बस ये चाहिए अगर वो चीज मेरे नडस्तुन सत्य प्रवर्तन विषय में साहब पास्टर ये बताए गए दान की मिचे थे। हालेलुया हालेलुया। ये कितनी सुंदर गवाही है। इधर तो अच्छी बात आई जो योहन्ना ने सुना योहन्ना विनाडो अपनी बुढ़ी आखिरी अवस्था में पड़ा है चिवरी प्राय तो पड़ रहा है लेकिन कलीसिया और कलीसिया के बच्चों के विषय में वो सुनता है तो वो बोल रहा है कि मेरा मन भर गया है। संगम और संगम प्रजल भीतर प्रजल विषय में भीतर पड़ो ना मनुष्य भिन्न देना मैं बहुत आनंदित हुआ करके बोल रहा है बहुत संतोषित।
వచ్చాడు అని అంటు స్వస్థత అనేది నీవు ఆత్మీయంగా వదిలేడంతో उन्नति करेंगे आपके शरीर की बीमारियां भी आपको छोड़ के बाहर निकल शरीर रोग वदली यहाँ साफ लिखा है स्वस्थ बड़ा चंगा रहेगा संगति से दूर होने के कारण भी कभी कभी बीमार हो जाते हैं दूर कारण अनारोग्य पड़ता है ये आपको नहीं पता अभी परमेश्वर ने हमारे लिए जो मूलभूत सिद्धांत है जो एक पिलर के रूप में हमारे लिए बना के दिया हमें उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है क्योंकि हम उसके सत्य के पक्ष में हैं सत्य पक्ष में मालूम होना हमें ऐसा ही करके हमें परमेश्वर की दृष्टि में अपना दायित्व को पूरी तरह से निभाना है।